Yes, good morning students. Today we are going to revise exercise 13.1 to 13.4, which is the syllabus of Monday test. Clear about it in class 9. Now, see that the important points are there or whatever things are there. First, we have to study about cube. Second, we will study about cuboid. Then, cylinder and then cone. Clear about it? Here in that one they have discussed about the surface area only, surface area. Now we will not discuss about the volume because that whole exercise are based on surface area only. In that cube, clear, first we will discuss about cube, that TSA, total surface area. Yes, you all know that in that how many faces are there? 6 faces are there. That all faces are in the form of square. Kiski form mein hoti hai? Square ki form mein hoti hai. Ye yaad rakhna hai. Yes, iska ek perimeter wala formula bhi le lenge. Perimeter wala. Jiske andar jo edges hoti hai wo kitni hoti hai? 12 edges. Kaisi hoti hai? 12 edges hoti hai. Clear about it? Now, its total surface area. Kya hoga? टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 6 और एरिया ऑफ अ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर फेसेस होती है तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर. क्लियर अबाउट इट? ए स्क्वायर वेयर ए इज द लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ एज, लेंथ ऑफ एज. क्लियर अबाउट इट? नेक्स्ट इज देयर कर्व एलएसए, लेटरल सरफेस एरिया. The lateral surface area of a cube is equals to 4 multiplied by a square. Kiske equal hoga? 4 into a square ke equal hoga? Because in that case we not consider top and bottom are excluded. Kya hoga? Excluded. Humne top aur bottom ko kya kar diya hai? Exclude kar diya hai. Ek aur case aata hai, TSA aata hai, when either top or bottom excluded. Top or bottom excluded. इस केस में कितना हो जाता है? 5 a square के इक्वल हो जाता है. ठीक है, इसके इक्वल होगा ये 5a स्क्वायर. मीन्स हम टॉप में से या फिर बॉटम में से एक को क्या कर रहे हैं? एक्सक्लूड कर रहे हैं. क्लियर अबाउट इट? मीन्स सिर्फ एक को ही बाहर कर रहे हैं. उस केस में वो कितना हो जाएगा? 5a स्क्वायर हो जाएगा. इज इट क्लियर? इसके बाद इसके पैरामीटर की भी बात कर लेते हैं एक बार. इसका जो पैरामीटर होता है वो किसके इक्वल होता है? 12a के इक्वल होता है. किसके इक्वल होता है? 12a के इक्वल होता है. यहाँ पे a क्या है? लेंथ ऑफ एज है. यस. और इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है इसमें, डायगोनल, डायगोनल ऑफ अ क्यूब विच इज इक्वल्स टू रूट थ्री ए. किसके इक्वल होता है ये? रूट थ्री ए के इक्वल होता है. अगर हम लेंथ ऑफ ए को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा? डायगोनल ऑफ अ क्यूब मिल जाएगा. क्लियर अबाउट इट? ये सारी चीजें हमें क्या करनी है? याद रखनी है, फॉर्मूले याद रखने हैं. इसके बेस पे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे. क्लियर अबाउट इट? इसके अलावा एक कन्वर्जन यूनिट भी याद रख लेना, लाइक 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर. दैट आर इम्पोर्टेंट वंस टू रिमेंबर, कन्वर्जन यूनिट रिलेटेड टू द सर्फेस एरिया. Clear about it? Now cuboid. In that first we will clear about it. What is L? L is length of cuboid. B is breadth of cuboid. And H is height of cuboid. Clear about it? In that also the 6 faces are there. और faces की हम shape कैसी मानते हैं? Rectangular मानते हैं. कौन सी shape मानते हैं? रेक्टेंगुलर.
देखिए मीन स्क्वायर कॉमन, तो बट वी विल कंसीडर हियर ओनली रेक्टेंगुलर। यस सेम हियर 12 एजेस आर देयर, हियर नाउ व्हाट इज इट्स ऑल द थिंग्स लाइक हियर वी हैव डन। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इट्स टोटल सरफेस एरिया, इससे रिलेटेड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया से रिलेट करेंगे। इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर जो अपोजिट फेस होती है, अपोजिट फेस जो होती है वो कैसी होती है, फेस ऑफ कॉन्ग्रुएंट होती है, कैसी होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। अपोजिट फेस कैसी होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, मीन्स उनका जो एरिया होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। इस केस के लिए तो ट्वाइस एल इंटू बी हो गया, ट्वाइस बी इंटू एच हो गया, ट्वाइस एच इंटू एल हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे एल एस ए विच इज इक्वल टू टू एल प्लस बी इंटू एच विच वी कैन राइट एज पैरीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो एल एस ए है इसको समटाइम वी कंसिडर एज एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स मीन्स हमने यहाँ पे दोनों क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया हमने, ठीक है, टॉप और बॉटम को हमने एक्सक्लूड कर दिया। एक और चीज याद रखने वाली बात होती है कि इस केस में जब कॉस्ट आएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट, जब हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, जब हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट डिवाइड बाय रेट। और एक और क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, जब फाइंड आउट द रेट, रेट कैसी होगी, कॉस्ट डिवाइड बाय एरिया। ध्यान रखना है जो यूनिट है रेट की और जो एरिया की है वो सेम होनी चाहिए, यूनिट्स ऑफ एरिया एंड रेट मस्ट बी सेम, सेम होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे मान लो एरिया मीटर स्क्वायर में है तो रेट किस में होगी, जैसे रुपीज में देख करके मीटर स्क्वायर में होनी चाहिए, दैट शुड बी सेम होनी चाहिए। क्लियर अबाउट इट, ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया के बाद बात करेंगे हम किसकी, टोटल सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया डिस्कस। नाउ वी विल टॉक अबाउट दैट टीएसए, ठीक है, एदर टॉप और बॉटम एक्सक्लूडेड, एदर टॉप और बॉटम एक्सक्लूडेड। एक केस होता है नॉर्मली केस के अंदर सीलिंग, जब सीलिंग प्लस फोर वॉल की बात करता है, फोर वॉल्स की बात करता है, फोर वॉल्स की बात करते हैं जब हम कंसिडर करते हैं, या फिर टेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, टेंट की बात करते हैं, कि उस केस में हम क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर को इंक्लूड नहीं करते हैं। यस एदर टॉप और बॉटम एक्सक्लूडेड, एदर टॉप और बॉटम एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड मीन्स एरिया ऑफ फाइव फेसेस हो जाएगा, जिसमें से हम नॉर्मली वन को बाहर कर देते हैं, टू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एल बी हो जाएगा, वन फेस हम उसमें ऐड कर देंगे। अगर कोई भी फेस अगर फाइव फेस का है, अगर टी एस ए ऑफ फाइव फेसेस आ जाता है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके अंदर फाइव फेसेस के लिए भी यही रहेगा, इसके लिए क्या करना है, टी एस ए लेंगे हम इसका, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ दैट फेस, एरिया ऑफ फेस एक्सक्लूडेड मीन जिसका भी हमने क्या किया है, जिस भी फेस को हमने क्या किया, बाहर किया है, हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा, टी एस ए आ जाएगा। इसके बाद बात करें इसके पैरीमीटर की, तो इसका पैरीमीटर होगा वो कितना हो जाएगा, पैरीमीटर जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसका इसका जो पैरीमीटर होगा वो होगा फोर एल प्लस बी प्लस एच के इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा फोर एल प्लस बी प्लस एच के इक्वल हो जाएगा। इसका जो डायगोनल होगा वो कितना होगा, इसका जो डायगोनल होगा वो किसके इक्वल होगा, क्लियर अबाउट इट, डायगोनल जो होगा वो इसका होगा रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के इक्वल होगा, क्लियर अबाउट इट, अंडरस्टैंड दैट। टी एस से एल एस से टी एस से इन केस ऑफ फाइव फेसेस पैरीमीटर डायगोनल दैट ऑल आर देयर दैट यू हैव टू स्टडी व्हाई एल इनटू बी बिकॉज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एल इनटू बी। यस नेक्स्ट इज थर्ड दैट इज कोन एंड
सिलेंडर, साइड बोथ आर कोन एंड सिलेंडर। यस, पहले बात करेंगे हम सिलेंडर की, उसके बाद बात करेंगे हम कोन की। क्लियर ओके। सिलेंडर क्या होता है, जैसे अगर हम किसी रेक्टेंगुलर पेपर को फोल्ड करें, यस, इसके अंदर दो एरिया होते हैं, एक तो होता है टॉप सरफेस एरिया और एक होता है बेस एरिया। क्लियर अबाउट इट, अंडरस्टैंड दैट टॉप सरफेस एरिया जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म, अगर उससे ओपन करें, ओपन करने पे कैसा बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। क्लियर अबाउट इट, कर्व्ड सरफेस एरिया को अगर हम ओपन करें तो कैसा बनेगा, ओपन करने पे क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, जिसके अंदर क्या होगा, लेंथ कितनी होगी, लेंथ जो होगी वो किसके इक्वल होगी, 2πr के इक्वल होगी, और ब्रेथ किसके इक्वल होगी, हाइट के इक्वल होगी। क्लियर अबाउट इट, यस। इसके अंदर क्या होता है, टू एजेस होती है, कितनी होती है, एजेस टू होती है। क्लियर अबाउट इट, एजेस कितनी होती है, टू होती है, और कैसी होती है, ये सर्कुलर होती है, कैसी होती है, सर्कुलर होती है। क्लियर अबाउट इट, अब बात करते हैं इसका जो एरिया होगा, एजेस कैसी होंगी, सर्कुलर होंगी, और बेस एरिया जो होता है, बेस भी कैसा होता है, सर्कुलर होता है, कैसा होता है, सर्कुलर होता है, सर्कल होता है। क्लियर अबाउट दैट, अब इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, जैसे मान लो मैंने तुम्हें बताया कि बेस बता दिया मैंने तुम्हें कैसा होता है, बेस एरिया कैसा होता है, इसका सर्कुलर होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम उसे ओपन करें तो कैसा बनेगा, वो रेक्टेंगल बनेगा, जिसकी जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, तो पाई आर के इक्वल होगी, और ब्रेड किसके इक्वल होगी, एच के इक्वल होगी। टू एजेस कैसी होती है, इसकी सर्कुलर होती है, तो इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, इसके बारे में बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। वहां पे हमने लेटर लिया था क्योंकि वो क्या थी, कर्व्ड 90 फेसेस, यहाँ पे जो फेसेस है वो कैसी है, कर्व्ड है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो इसका किसके इक्वल होता है, देखिए एल इन टू बी, रेक्टेंगुलर बताया मैंने तुम्हें कि कर्व्ड सरफेस एरिया जब ओपन करेंगे तो कैसा बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, तो कितना हो जाएगा, एल इन टू बी, तो वो कितना हो जाएगा, टू पाई आर एच के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, टू पाई आर एच के इक्वल हो जाएगा। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे आर क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस है, यस, और एच क्या है, हमारी हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर है। इसके अंदर दो चीजें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, वो है एक तो वैल्यू ऑफ पाई जो मिलनी होती है 22/7 इफ नॉट गिवन, नॉट गिवन, अदरवाइज यू कैन टेक 3.14 इफ गिवन। इसके अलावा दो चीजें और याद रखनी है, आर इज इक्वल टू द डी बाई टू, क्योंकि समटाइम दे विल गिव यू द डायमीटर, उस केस में तुम रेडियस कैसे फाइंड आउट करोगे, डायमीटर डिवाइड बाय 2, और समटाइम दे विल आस्क यू द क्वेश्चन व्हेन द डायमीटर देन इट इज इक्वल टू 2r, किसके इक्वल हो जाएगा, 2r के इक्वल हो जाएगा। नाउ TSA कितना होता है इस केस के अंदर, TSA जो होता है वो कितना होता है, सिलेंडर का वो होता है 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर, दो सर्कुलर बेस होते हैं, कितना कितनी होती है, बेसिस 2 होती है, तो इस केस में अगर हम इसमें कॉमन लेते 2πr कॉमन हो गया, तो ये कितना बच गया, h प्लस r हो गया। तो दो चीजें याद रखनी है, 2πr ब्रैकेट h प्लस r, और इसको सिंपल वे में राइट करना चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, सरकमफेरेंस h प्लस r, सरकमफेरेंस ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय h प्लस r। क्लियर अबाउट इट, 2πr क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है, और यहाँ पे भी लिखना चाहो तो CSA जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया, सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई बाय हाइट के इक्वल हो गया। तो ध्यान रखने वाली बात है, कई बार वो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सरकमफेरेंस गिवन है, हाइट पूछ लेगा, और सरकमफेरेंस तुम्हें पता ही होगा, सरकमफेरेंस किसके इक्वल होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज गिवन बाय 2πr, दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट वर्ड, यस। और कई बार वो एरिया ऑफ सर्कल से भी पूछ सकता है, एरिया क्या होता है सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो उस केस में फाइंड आउट करना हो सकता है,
क्लियर अबाउट इट। ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, कौन सा फेज देगा ऑफ सिलेंडर, टीएस के ऑफ सिलेंडर, यस। इसी के बेस पे क्वेश्चन होंगे और तुम्हें तो पूछा जाएगा, इसी के बेस पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको इक्वल रख करके इसको ट्रांसपोज करके हम बाकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, आर की, एच की, ये सब, ठीक है। क्लियर अबाउट इट, मींस वैल्यू ऑफ पाई लेकर के आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके बस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट कोन, इसकी बात करेंगे, कोन की बात करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, एक सी एस से होती है, कर्व सरफेस होती है, प्लस में बेस एरिया होता है। क्या होता है, बेस एरिया होता है, ठीक है। जो बेस एरिया होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, कैसा होता है, सर्कुलर होता है। कर्व सरफेस एरिया जो होता है, क्लियर अबाउट इट, अंडरस्टैंड दैट, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो किसके बेसिस पे माना जाता है, इसको मानते हैं पार्ट ऑफ, इसको एक तरीके से सेक्टर मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, सेक्टर, सेक्टर मानते हैं। क्या मानते हैं, सेक्टर, सेक्टर, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, क्या होता है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। क्लियर अबाउट इट, जिसको अगर हम कैलकुलेट करें और जो यस सेक्टर ऑफ सर्कल से दिया जाता है, और अगर हम इसको अगर हम आगे फाइंड आउट करें तो इसमें एक और वर्ड आता है, स्लैंट हाइट। क्या आता है, स्लैंट हाइट, जो सेक्टर का जो एरिया होता है इसके अंदर बाय कंपैरिजन निकलता है, जब हम सर्कल से टोटल सर्कल से कंपेयर करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है कितनी, पाई आर एल आती है। कितनी आती है, पाई आर एल आती है। क्लियर अबाउट इट, यस। इस सर्कल जिसकी जो रेडियस होती है वो कितनी होगी, ये उस रेडियस का सर्कल का पार्ट होता है जिसकी जो रेडियस होती है वो एल के इक्वल होती है। ध्यान रखने वाली बात है, ये किस सर्कल का पार्ट होता है जिसकी रेडियस क्या होती है, एल होती है। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एल से, यस, ये इस तरीके से निकाली जा सकती है। अगर हम बात करें सर कोन की, तो ये हमारी क्या होगी, बेस रेडियस हो गई, ये हमारी क्या होगी, हाइट हो गई, ये हमारी क्या होगी, एल हो गई। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर अबाउट इट, स्लैंट हाइट हो गई, क्लियर हो गया। इसके अलावा जो चीजें वहां पे हैं, एल एल से थ्रू फेबर वो हमसे एच पूछ सकता है, तो वो हमारी वैल्यू हो जाएगी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फेबर वो हमसे आर पूछ सकता है रेडियस, उसके इसमें हो जाएगी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो तीनों ही याद रखने हमें, एल की वैल्यू कितनी होगी, एच की कितनी होगी, ठीक है। इसका स्लेंट हाइट हो गया, ये क्या होगी हमारी हाइट हो गई, ये क्या होगी हमारी बेस रेडियस। कई बार रेडियस ही लिखेंगे डायरेक्ट, तो ध्यान रखने वाली बात है। और प्लूरल याद रखिए ना, प्लूरल, प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस क्या होती है, रेडियाई होती है, क्या होती है, रेडियाई होती है, क्या होती है, रेडियाई होती है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब कौन से रिलेटेड बात करेंगे, एल की वैल्यू मैंने तुम्हें बता दी कैसे फाइंड आउट करते हैं, एच की बता दी, आर की बता दी, जब हमें एल आर गिवन हो, ठीक है। अब हम इसे बात करेंगे इसके बारे में, तो ठीक है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, अभी मैंने तुम्हें बताया पार्ट ऑफ सेक्टर होता है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो सर्कल है जो रेडियस एल से बना हुआ है, और इससे कंपेयर करेंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, पाई आर एल आ जाएगी, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। क्लियर अबाउट इट, अंडरस्टैंड। और अगर तुम राइट करना चाहो तो इसे राइट कर सकते हो, बेस सर्कमफेरेंस डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एल, सर्कमफेरेंस अपॉन 2 हाफ ऑफ बेस, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय एल होता है स्लेंट हाइट। और अगर तुम्हें यू राइट करना हो तो इसे यू भी राइट कर सकते हो, 2 बाय आर ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बिकॉज द वैल्यू ऑफ एल इज दैट, सॉरी पाई आर, और 2 बाय पाई। क्लियर अबाउट इट, नाउ नेक्स्ट इज योर टोटल सरफेस एरिया, क्या आएगा इसके अंदर टोटल सरफेस एरिया, वो कितना होता है, देखो पाई आर एल इसका हो गया कर्व सरफेस एरिया, और एरिया बेस कैसा होता है, सिर्फ वन सर्कल होता है, कितना होता है, वन होता है, यस। बेस कितनी होती है इसमें, एक ही होती है, यस। तो इसका जो एरिया हो जाएगा सर्कल में कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर हम पाई आर कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, एल प्लस आर,
इसे भी राइट किया जा सकता है सरकमफेरेंस डिवाइड बाय टू, क्लियर, एल प्लस आर की फॉर्म में, क्लियर अबाउट इट, ये दैट ऑल द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर एंड रिवाइज देम वेल. इजीली यू कैन रिमेंबर दैट, फाइंड आउट दैट व्हेन सरफेस पार्ट सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल, पाई आर ब्रैकेट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, टीएसए इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. अगर इसके बारे में तुम्हें ज्यादा जानकारी चाहिए तो देखिए एक सर्कल है, यस, जिसकी जो रेडियस है उसे हम क्या मान रहे हैं, एल मान रहे हैं, ठीक है, क्लियर अबाउट इट. ये जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन रिप्रेजेंट करेगा, यस है ऑफ कोन हो जाएगा, क्लियर अबाउट इट, अंडरस्टैंड, उसका पार्ट माना जाता है, ठीक है. उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है हाइट और रेडियस के बीच में, बेस रेडियस के बीच में, और ये स्लैंट हाइट होती है, उसके थ्रू हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ स्लैंट हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर. Pay attention on that, revise very well, just write all the formulas once and do the practice on basis of them. Thank you.